पूरे देश में कोरोना का कहर जारी। ताजे आंकड़े के मुताबिक 1764 एक्टिव केस, 50 लोगों की मौत, अब तक 150 हुए ठीक। अमेरिका में बीमारों का आंकड़ा 2,00,000 तक पहुंचा, एक दिन में अकेले 884 मौतें। कोरोना संक्रमण के बीच जान बचाने वाले डॉक्टर्स पर कई शहरों में हमला, इंदौर में जांच टीम पर अटैक, मुंगेर और हैदराबाद में भी बेकाबू हुए लोग। लॉकडाउन के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाथ में पोस्टर थामे अरुणाचल प्रदेश के पुलिसकर्मी की बेटी की तस्वीर शेयर की। पोस्टर में लिखा है, मेरे पापा हैं पुलिसकर्मी, वो आपकी मदद के लिए मुझसे दूर हैं, क्या आप उनके लिए अपने घर में रहेंगे। रिजिजू ने कहा, सभी की सुरक्षा के लिए लगातार काम करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना करें। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण 6 हफ्ते के नवजात की मौत। नवजात को पिछले हफ्ते अस्पताल में लाया गया था तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। कोविड-19 संबंधित कॉम्प्लिकेशंस के कारण सबसे कम उम्र के बच्चे की अब तक की मौत। कोरोना को लेकर रामगोपाल वर्मा का मजाक। हाल ही में ट्वीट कर रामगोपाल वर्मा ने लिखा था कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। कुछ देर के बाद रामगोपाल वर्मा ने अपनी इस बात को झूठ बताया। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया।